बहुत गर्म है, बहुत स्पंजी है, जो मीठा है वो परफेक्ट है, ज्यादा मीठा भी नहीं है और कम मीठा भी नहीं है। ये है वाओ। हरा के उद्वंत नगर में आए और खुरमा नहीं खाए, ऐसा भला हो सकता है? आज हम उद्वंत नगर में हैं, यहाँ का खुरमा काफी फेमस है, ओरिजिनल, कोई मिलावट नहीं होता इसमें, इतना टेस्टी होता है कि दूसरे स्टेट से लोग आते हैं। आरा में कोई आया और उद्वंत नगर का मिठाई नहीं खाया, कैसा लगेगा? नहीं, ये ठीक नहीं लगेगा, मजा नहीं आएगा। मजा नहीं आएगा, क्योंकि लोग दूर दूर से यहाँ पर आकर के मिठाई खरीद के खाते हैं। खाते करते हैं, खाते हैं ना? हाँ, विदेश तक ले आते हैं आदमी। अच्छा, विदेश यानी फॉरेन से भी लोग आते हैं? हाँ, यहाँ से भी जाता है विदेश तक ले खुरमा। ओह माय गॉड, यानी कि यहाँ से विदेश तक ये खुरमा जाता है? क्या से बनता है ये? पनीर से बनता है। पनीर से? सिर्फ पनीर? हाँ, दूध लेकर के फाड़ा जाता है, इसके बाद पनीर को इसको बांध करके छुरी से काट करके इसके चाशनी में डाला। बन सकता है घर पे? बन सकता है, लेकिन चाशनी पता नहीं चलेगा, चाशनी में देखना पड़ेगा। ये मुश्किल है? मुश्किल है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, उद्वंत नगर में कुछ तो खास बात होगी जो कि सिर्फ यहीं पे बनता। अगर ऐसा होता तो हर जगह बनता। ये मिलता है, लेकिन ये चीज नहीं मिलेगा। ये चीज नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो खास बात है बनाने में, यहाँ का पानी का खास बात है। अच्छा, पानी का? हाँ, पानी का। यहाँ जैसे आपको खुरमा कहीं नहीं बन पाएगा, खुद हम ही नहीं बना पाएंगे। अच्छा, यानी कहीं और रहेंगे तो नहीं बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। यानी पानी का खास बात है और भैया जी का खास बात है कि लोग यहाँ पर आते हैं, इनका व्यवहार भी बहुत बढ़िया है। तो अब हम यहाँ का खुरमा खा करके देखेंगे कैसा स्वाद है। हालांकि मैं पहले खा चुकी हूँ। ये बहुत बड़ा बड़ा है और इतना ही बड़ा बनता है। चलिए। बहुत गर्म है, बहुत स्पंजी है, जो मीठा है वो परफेक्ट है, ज़्यादा मीठा भी नहीं है कम मीठा भी नहीं है। और सच में मतलब ये है वाओ, खा करके लोग बोलेंगे वाओ। तो हाथ में माइक है, हाथ में मिठाई है, खा नहीं पाऊंगी, लेकिन सच में बहुत बढ़िया है, फेमस है। यहाँ पर आइए तो ज़रूर खाइए, ज़रूर खरीद के अपने परिवार को एक बार खिलाइए। अब हम दाम के बारे में जानेंगे, इतना भी महंगा ना हो कि भैया आप खरीद ना पाए। कैसे केजी है भैया? यहाँ 350 रुपये केजी है। 350 रुपये केजी? हाँ, बहुत सस्ता है, क्योंकि यही चीज़ अगर आप पटना या और जगह पे खरीदेंगे ना तो वो महंगा भी रहेगा, क्वालिटी भी बढ़िया नहीं रहेगा, और जो ओरिजिनल होता है वो भी नहीं रहेगा, डुप्लीकेट रहेगा। यहाँ पर दूध भैया खुद फाड़ करके बनाते हैं, इसीलिए पूरे देश विदेश में ये उद्वंत नगर का जो खुरमा है वो फेमस है। हो गया ना?